इन दोस्तों, तो एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं ट्रक मास्टर्स इंडिया में। और अभी तक यार एक महीना हो गया है, अभी इन लोगों ने कोई नया अपडेट अपडेट नहीं दिया है। और कोई नहीं, देखते हैं, वेट करते हैं कोई और नया अपडेट, या कोई नया ट्रक ये लोग डाल दें, या कोई नया रोड मैप डाल दें। क्योंकि अभी तक इन लोगों ने पूरे जो इनके जो मैप्स हैं वो भी अनलॉक्ड नहीं किए हैं इन लोगों ने। और अगर हम लोग उसको अपनी तरफ से अनलॉक करते भी हैं, क्योंकि हमारे पास तो मोड वर्जन है, उसको नॉर्मली अनलॉक कर भी लेंगे, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो लॉक्ड मैप्स हैं उनकी शायद इन लोगों ने रोड्स जो है वो डेवलप्ड ही नहीं करी हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम यही होती है कि या तो मैप लूप में आ जाता है, या तो फिर रोड्स में वो क्रॉस बन के आ जाता है कि मतलब आगे रोड ही नहीं है। तो आज हम लोग करने वाले हैं भाई ये रिलायंस कंस्ट्रक्शन मटीरियल। हम लोग रिलायंस का कुछ कंस्ट्रक्शन मटीरियल है जो हम लोग आगरा से रुद्रपुर ले करके जाने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग अपना ये 45 टन 406 हॉर्स पावर 8 स्पीड गियर्स हैं इसमें। आप सोचिए भाई 8 गियर्स का मतलब भाई स्पीड क्या ही होगी। जब हम लोगों का भाई बाइक जो होता है, तो हम लोगों की बाइक चार गियर्स की बाइक्स होती है। नॉर्मल बाइक जो चार ही गियर की होती हैं, उससे थोड़ा सा अगर हैवी में जाएंगे तो 5 गियर, और उससे बहुत ज़्यादा अगर राइडर में जाएंगे छपरी वाली जो बाइक्स आजकल चल रही है, वो 6 गियर में होती है। छपरी तो 5 ही में होती है, बाकी जो बहुत ज़्यादा हाइपर बाइक्स होती हैं वो जो होती हैं भाई वो 6 गियर्स की होती हैं। सोचिए भाई 4 गियर की जो बाइक होती है वो कितना हाई स्पीड भाग सकती है, और ये फिर भी 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड दे रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो भाई हम लोगों ने जैसा कि अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम लोग थोड़ा सा रैश ड्राइविंग भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो ट्रक है वो इतना ज़्यादा हैवी ट्रक है, इतना ज़्यादा हैवी लोड है कि भाई इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। और यार कोई नहीं, हम लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं भाई, रिलायंस का सामान लेकर के जा रहे हैं, बचा ही लेंगे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। भाई आ चुके हैं हम लोग रोड के ऊपर, हाईवे पर फिलहाल एंटर कर चुके हैं, और हम लोग चल रहे हैं भाई रॉन्ग साइड, क्योंकि हम लोग उल्टा सीधा भाई गाड़ी चला रहे हैं, कैसे भी अपना माल जो है वो डिलीवर करना है। और बहुत ज़्यादा लंबी ट्रिप हम लोगों ने नहीं ली है, आप देख पा रहे होंगे 130 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से, और थोड़ा सा अगर शॉर्ट डिस्टेंस में देखेंगे तो अभी ये डिस्टेंस थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अरे देखो भाई 100 ही किलोमीटर बचा है, तो आप खुद ही सोच लो कि हम लोग कितना शॉर्टकट भी ले रहे हैं, क्योंकि इनका क्या है कि ये लोग उसी सेम रोड को थोड़ा सा लंबा घुमा करके ला करके हम लोगों को दिखाते हैं। उससे होता क्या कि हम लोगों को लगता है कि बहुत लंबा रोड है। तो भाई चलते हैं भाई, 3 वीडियोस हो चुकी हैं, तीसरी वीडियो में भाई कुछ तो इसको खिला दें, भाई इतना थक गया है। तो भाई चलो भाई, इसने खाना खा लिया, अब इसको 4-4.5 घंटे की नींद भी दिलवा देते हैं, जिससे कि भाई ये आराम से ड्राइविंग करे और उसके बाद ये डिस्टर्ब ना करे, ना खाने के लिए ना सोने के लिए। तो भाई आप देख पा रहे होंगे का बिल्कुल फुल टंच हो चुका है पेट, बिल्कुल अच्छे से इसने खा पी लिया है, सो लिया है, आराम कर लिया है। तो अब भाई ये देखिए, ये नया वाला ट्रक है जो कि 12-4 का है, जैसे कि आप पिछली वीडियो में मतलब इसी वीडियो की स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि भाई जो ट्रक है वो मतलब उसमें 406 हॉर्स पावर है और 8 गियर्स का है। तो आप खुद सोच सकते हैं भाई कितना ज़्यादा पावर हो गई, 406 हॉर्स पावर बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी क्या है कि हम लोग वो रुद्रपुर जाना है, और बचा हुआ है भाई 123 किलोमीटर बचा है, अभी वहाँ तो 130 था यार, कुछ तो लफड़ा है शायद, हो सकता है इन लोगों ने कुछ मैप वैप घुमा उमा दिया हो। चलो कोई नहीं, अभी 100 किलोमीटर बचा है, थोड़ा सा बचा है भाई, ये तो हो सकता है 2-3 मिनट भी नहीं लेगा और कवर हो जाएगा। बाकी रोड्स इतनी बढ़िया है कि भाई रास्ते तो पता ही नहीं चलते, और वैसे भी अब तो भाई इंडिया में भी बहुत अच्छी अपने भारत में रोड्स बन चुकी हैं। और ये देखो भाई हम लोग रैश ड्राइविंग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्टकट ले लिया, जो कि अभी देखो ये देखो 80-85 किलोमीटर था, वो सीधा कट के भाई 30-35 किलोमीटर आ गया। और ये देखो भाई ये पैसेंजर बस से जा कर के हम लोगों ने भाई अपने ट्रक को जो है वो बिड़ा दिया है। यार इतना भयानक गाड़ी चला रहे हैं कि भाई रोड वाले जो हैं वो परेशान हैं, और कहीं ऐसा ना हो भाई कि किसी दिन आरटीओ हमारे पीछे पड़ जाए। तो फिलहाल इसमें अभी तक कोई पुलिस तो नहीं दिखी, और ना ही कोई चलान वालान कटा है इसमें, तो देखते हैं भाई आने वाले जो चेंज अपडेट्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपडेट में देने वाले हैं। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और नो को एयरलाइंस का एरिया है जो इनका सामान हम लोगों ने डिलीवर कर दिया है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।